तो ये रहा हनुमान जी का मूर्ति। बस तुम लोग देख सो बस और सीढ़ी है, तो हम लोग को उधर से और ऊपर जाना है। Guys, there is a Ganesh temple and we have to guys yahan pe matlab na 400 सीरी है, नहीं सीरी इसको बोलते हैं ना सीरी, तो ये यहाँ पे 400 है, तो 400 सीरी चढ़ना पड़ेगा फिर जाके मिलेगा लंकेश्वर टेम्पल। क्योंकि गाइस आने में तो बहुत मतलब बहुत लेट हो गया। सो हेलो गाइस, दिस इज स्टैन वंस अगेन बैक विद अ न्यू व्लॉग वीडियो डूड। तो आज हम आए लंकेश्वर मंदिर। यार वो जो दिख रहा है ना वो है क्या था, शनि मंदिर है वो, तो उससे भी और ऊपर है, और ऊपर है उससे, और ऊपर है हनुमान मंदिर, तो उससे और ऊपर है शिव मंदिर जहाँ हम जाने वाले हैं, वो और भी ज्यादा ऊपर है। तो अभी तो हम लोगों ने सिर्फ शुरुआत किया है, तुम लोग को अगर देखना है तो ये देखो, मतलब मैं वहां से मतलब सिर्फ चल के सिर्फ आया हूँ ना, अभी यार बहुत चलना बाकी है। और इधर से ये रास्ता है, इससे भी अभी बहुत चल के जाना है। तो पहले शनि मंदिर का दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद जाएंगे आगे। तुम लोग यार देख सकते हो यहाँ पे मतलब भगवान का बनाया हुआ है स्टैचूज। बहुत ही बेहतरीन और सुंदर प्लेस है, मतलब सच ए ब्यूटीफुल प्लेस नियर जालुकबारी। I
चप्पल पहन के आ गया तो चल मैं यहाँ पे चप्पल खोल दे। तो ये रहे अपने बजरंग बली। बहुत चढ़ाई करने के बाद आ चुका हूँ हनुमान मंदिर। माय गॉड, ह्यूज बजरंग बली। ओके गाइस, फाइनली हमने ये तो पूरा एक्सप्लोर कर लिया है, तो अभी चलते हैं इस तरफ। और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, श्री श्री लंकेश्वर धाम शिव मंदिर 205 स्टेप्स। ओ माय गॉड, और 205 स्टेप्स। तो यार कोई दिक्कत नहीं है, तो इसी बात पे अंकित स्टैन इतना मेहनत कर रहा है, तो तुम लोग दबा के लाइक मारो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इधर में दिख रहा होगा एक लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर देना। तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो किसी कलाकार ने बहुत ही अच्छी तरीके से ये बनाया है। नॉट बैड, नॉट बैड। ये शायद पानी का टंकी होगा, मेरे को ऐसा लग रहा है। और ये शायद यहाँ का व्यू पॉइंट होगा, तो चलो व्यू कर ही लेते हैं। पूरा गंदा हो रखा है, शायद ये व्यू पॉइंट नहीं बल्कि यहाँ से कैसा साउंड आया यार, शायद ये व्यू पॉइंट नहीं, ये शायद पानी का टंकी खोलने का है। जैसे पानी का टंकी है शायद अंदर में, तो तभी यहाँ से व्यू अच्छा ही है। ओके तो ये खोला था, बंद कर ही देता हूँ। साउंड सुनो यार, बहुत ही मजा आ रहा है। तुम लोग अगर मेरे मजे की मजे के पीछे अगर तुम लोग को राज छुपाए हुआ अगर तुम लोग को जानना है, तो बने रहो इस वीडियो में। तो गाइज देख सकते हो इस साइड भी पूरा जंगल, इस साइड भी पूरा जंगल, और बीच में है ये रास्ता। मतलब दो साइड जंगल और बीच में रास्ता, बहुत ही सुंदर है यार। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल टेम्पल नियर जालुकबारी। और इसका जो लोकेशन है वो मैं तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और तुम लोग अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए यार, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ, वहां से तुम लोग देख सकते हो। यहां से चढ़ के आया मैं, पूरा बैम्बू बागान है इधर, और इधर भी है थोड़े थोड़े, ये शायद किसी का घर होगा। ओ माय गॉड, ट्रू लव। मुझे हो मानस प्लस हिमांशी, ओ माय गॉड इतना प्यार। ओके गाइस, फाइनली जहाँ पे आना था आ चुका हूँ, तो अभी जाने अंदर। यहाँ पे कुछ फोटो क्लिक्स कर रहे हैं। और ये रहे हमारे
नंदी जी और नंदी जी, ओ नंदी जी, इधर भी है नंदी जी और एक प्रेको मारता है यहाँ पे। बोल में देखो यार, तो ये रहा इसके लिए माया थे, वो मिल भी चुका है मदद से। और ये देखो यार, ओह माय गॉड, इधर भी नंदी जी पधारे हुए और इधर भी, और यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, शायद कुछ ऑफिस रूम होगा शायद। तो वही तो गाइज, ये तुम लोगों के पत्थर तो दिख रहा है ना, तो ये ना ये उठ के फोटो मारने के लिए नहीं है। हाँ, जिसको मैं बोल रहा हूँ वो शायद समझ ही गया होगा, ये उठ के ना फोटो मारने के लिए नहीं है। हाँ, तो जरा संभल के, क्योंकि फोटो मैंने फोटो क्लिक करने के लिए नहीं है, ये भगवान का है यार। ओके चलो फिर से अंदर जाते हैं गाइस, चलो फिर से अंदर। यहाँ पे पंडित जी बैठ के सब वो तिलक लक लगाते होंगे। और तो ये रहा इसकी तलाश में हम आए थे। तो ये रहा शिवलिंग, शिवलिंग की शायद तो शिवलिंग भी शायद धो दिया, ये सबसे बड़ा देखो कितना बड़ा है। और ये रहा यहाँ पे सिंदूर देते हैं। तो ओके फाइन, इफ यू वांट टू विजिट यू कैन, डोनेशन बॉक्स अगर कुछ डोनेशन भी कर देना। ओए रे शिव जी, मेरा फुल व्यू। ओके गाइस, तो आज के ब्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं, बहुत टाइम हो चुका है, मुझे घर भी वापस जाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लव यू एंड पीस आउट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।